दोस्तों, मेरे को एक सवाल काफी सारे YouTube चैनल से पूछा गया है जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो अपने क्लेम वाली दिक्कत से काफी परेशान हो चुके हैं। ऐसे चैनल जो कि वीडियो बनाते हैं कि मिस्टर फैजू के बारे में या फिर किसी एक्टर के बारे में, और उनको कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। वो चाहते हैं कि इस वीडियो के बारे में या फिर इस फोटो के बारे में बात कर सकूं, कि क्लेम दिया किसने है तो पर्टिकुलर ब्रांड का पता नहीं लगा सकते। आज हम बात करेंगे कि आप अगर किसी भी एक्टर की या फिर आप किसी भी हीरोइन की फोटो को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहते हो जो कि कंप्लीट कॉपीराइटेड फ्री हो, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, बिल्कुल यूनिक टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगता वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि आप कैसे किसी भी एक्टर का या एक्टर्स का फोटो यूज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आता है वो यही आता है कि जब भी कोई एक्टर एक्टर्स अपनी खुद की फ़ोटो को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इन केस ऑफ फैजू या रियाज, इनकी कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट तो रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन वो पोस्ट खुद नहीं करते हैं। वो किसी कंपनी को टेंडर दे रखा है जो कि वो जो फोटोज़ हैं उनको कंपनी अपलोड करती है और कंप्लीट कॉपीराइट अपने पास रखती है। समझो मेरी बात को, मतलब कि फैजू हो गया, रियाज हो गया, इनकी जो फोटोज हैं उनको अपलोड करती हैं, खुद फोटोशूट करती हैं, एडिट करती हैं वगैरह, जो भी करना होता है वो खुद संभालते हैं सारे काम को। लेकिन जब भी उस फोटो को यूज़ करोगे तो आपके पास क्लेम आ जाएगा, बिकॉज वो सारी फोटोज वो कंपनी संभाल रही है। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस तरीके से फोटो को यूज़ करना होगा कि आपके पास ना तो क्लेम आए और बस उस कंपनी वाले को पता ना चले। लेकिन यार ये सारा काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके पास यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिनसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तरीका ये है आपके लिए, आप यहाँ पे कोई भी एक्टर या एक्टर्स की फ़ोटो यूज़ करना चाहते हो तो उसको उसके सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो भी है उसका, जैसे कि मान के चलो उसका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। ट्विटर पे बकायदा वो जो फोटो हो कम शेयर करते हैं, और जहाँ पे भी आपको लगे कि वो फोटो शेयर कर सकता है आप उन सभी जगह पर उसको फॉलो करके रखो। जब बात आती है मिस्टर फैजू की तो उसकी फ़ोटो का भाई बहुत मुश्किल, बहुत रेयर केस है कि आपको उसकी फ़ोटो मिल जाए। लेकिन उसको जिसने टैग किया है, मतलब कि उसको मिस्टर फैजू को जिसने टैग किया है, आप उसकी पोस्ट में जाके वहाँ से उसकी फ़ोटो को डाउनलोड करके अपनी फ़ोटो में यूज़ कर सकते हो। लेकिन यार ये पता कैसे चलेगा कि यार ये फ़ोटो मिस्टर फैजू की टैग की गई है या नहीं की गई है। मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फ़िलहाल मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, ये रहा इंस्टाग्राम, और ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे सर्च में, और सर्च में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ और लिख देता हूँ मिस्टर फैजू, ठीक है। टीम 07 के नाम से आईडी मिलेगी मेरे हिसाब से, टीम 07 आई थिंक यही होगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो जैसे मैं सर्च करता हूँ मेरे सामने वैसे बहुत सारे अकाउंट आ गए हैं, आई थिंक इनमें से वेरीफाइड कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मिस्टर फैजू, हाँ मिस्टर फैजू 07 के नाम से मेरे पास इसकी आईडी आ गई है। यहाँ पे अगर मैं फोटो को टच करता हूँ तो फिलहाल आप एक बात नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक लोगो आ रहा है विजय माहर के नाम से। अगर मैं इसको बैक करता हूँ और किसी दूसरी फोटो पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी एक लोगो आ रहा है, और वो लोगो किसका आ रहा है, विजय माहर के नाम से ही आ रहा होगा जहाँ तक मेरे को पता है, यस उसी के नाम से आ रहा है अगर आप फोटो को देखोगे तो। और इसकी जो पुरानी फोटोज है उसके अंदर भी मैं अगर जाके दिखाता हूँ तो हर जगह पे आपको ये लोगो मिलेगा। इसका मतलब ये है कि विजय माहर जो इसकी फोटो को हैंडल कर रहा है, और जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो मिस्टर फैजू नहीं दे रहा, वो विजय माहर ही दे रहा है। यहाँ पे आपको बचने के लिए फोटो को थोड़ा रीयूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा उसको एडिट करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके अंदर आप कलर चेंजिंग कर दीजिए, इसके अंदर आप थोड़ा क्रॉप कर दीजिए, कुछ इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे सके। इसको स्लाइड में चला दीजिए, मतलब 0.3 सेकंड के लिए इसका एक पार्ट दिखाई दे, कहाँ पे स्ट्राइक देगा बंदा। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर लीजिए। बकायदा वैसे किसी और का कंटेंट यूज़ करना अपने लिए वैसे इलीगल है, लेकिन यूट्यूब पे सब कुछ चलता है और थोड़ा बहुत करोगे तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। इस तरीके से आप किसी भी एक्टर की या एक्टर्स की फोटोज या वीडियोज़ को अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, अगर उसने वो सोशल मीडिया पे डाली है तो। और अगर आपको वो कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो आप उसका 100% जो डिस्प्यूट है वो कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी भाई कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ कभी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इसी तरह की और वीडियो को, इसी तरह की और वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।